गलवान घाटी में चीन बुरी तरह फंस चुका है और चीन को ना ही पीछे हटते बन रहा और ना ही आगे बढ़ पा रहा है। अगर पीछे हटा तो घोर बेइज्जती होगी और अगर आगे बढ़ा तो भारत से मारा जाएगा। इसी उलझन में फंसा बीजिंग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दुनिया के देश का दौरा कर रहा है, लेकिन वहां पर भी चीन को कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पा रही क्योंकि दुनिया में कोरोना का कहर जारी है और अमीर और गरीब दोनों तरह के देश इससे कराह रहे हैं। ऐसे में एक तरह से कहा जाए तो चीन को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। फिर भी चीनी विदेश मंत्री वांग यी यूरोप के दौरे पर है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी चीन की अकड़ कम नहीं हो पा रही और उसी का नतीजा है कि चीन घिरता जा रहा है। आपको मालूम हो कि 14 सितंबर से चीन और यूएई का शिखर सम्मेलन होने वाला है। सम्मेलन से पहले चीन काफी चिंतित है। दुनिया के देशों की नाराजगी को देखते हुए चीन ने अपने विदेश मंत्री को यूरोप दौरे पर भेज दिया है, क्योंकि चीन को उम्मीद थी कि यूरोप में अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। 5 देशों की यात्रा पर निकले वांगी जब जर्मनी के शहर बर्लिन पहुंचे तो रही से एक असर पूरी हो गई। आपको याद होगा कि चेक रिपब्लिक के सेनेट सदस्य और प्राग के मेयर ताइवान के दौरे पर थे, जिस पर बर्लिन में पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वांगी ने धमकाते हुए कहा कि ताइवान की दोस्ती की कीमत चुकानी होगी और कहा कि यह गुस्सा दिलाने वाला कदम है। अभी यही चल रहा था कि जर्मनी के विदेश मंत्री वांगी के बगल में खड़े होकर घोर बेइज्जती कर दी और चीन को याद दिलाते हुए कहा कि हम यूरोपियन लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं और सहयोग करते हैं और यह कोई खतरे जैसी बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि चीन और अमेरिका की लड़ाई में यूरोप खेल नहीं बनेगा। जर्मनी द्वारा खड़े खड़े करारा जवाब देने पर फ्रांस, स्लोवाकिया और दूसरे यूरोपीय देशों ने जोरदार समर्थन किया। मतलब पहले से ही जो चीन से यूरोप का खेल खराब हो रहा था, चीनी विदेश मंत्री ने अपने एक और बयान से इसे और खराब कर दिया। यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि यूरोप से पहले चीन पर उइगुर और हांगकांग को लेकर नाराजगी थी और यूरोप की नजर में चीन दोषी है, और अब चीन के बयान पर जर्मनी के विदेश मंत्री का ये बयान, इससे आप समझ सकते हैं कि चीन के प्रति दुनिया का क्या नजरिया है और आगे यूरोप क्या करने वाला है।